कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता। 120 दिन। 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बूंद बूंद मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है। और ये भी बता दूं कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता। अगर वही देश किसानों को बर्बाद होता देखता रहे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? खाना खिलाने वाले से कहा जाता है, अन्नदाता सुखी भवतु। ये अन्नदाता है कौन? खाना पकाने वाला या परोसने वाला नहीं है, अन्न उगाने वाला है। और ये खेती जैसा उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। सेल फोन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोड़ों पति हैं, लेकिन अन्न उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी कड़ी मेहनत और धूप में पसीना बहाने के बाद दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। फैक्ट्रीज लगाना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन खेतों को बर्बाद करके फैक्ट्रीज लगाना गलत है। इस देश में कितनी ही बंजर जमीनें हैं, कितनी ही पथरीले जमीनें हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, इसीलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। जरा सोच कर जवाब दीजिए कि किसान पानी लेने कहाँ जाएगा? इस देश में पिछले 10 साल में 171,105 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उसमें से 25,000 से ज्यादा किसान तो इसी इलाके में रहते थे। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, ये जानते हैं क्या आप? लेकिन सच्चाई यही है, जहाँ मौत इतनी सस्ती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा किसान अपना पेट पालने के लिए गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो बिल्डिंगों में चौकीदारी करता है। जो किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता कहलाता है, वही मंदिरों के सामने भीख मांगता फिर रहा है। वादों पर मत जाइए, जमीन पर आ जाइए। एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला हजारों करोड़ का उधार लेकर विदेश भाग गया और वहाँ बैठकर विदेशी शराब पी रहा है। सिर्फ 5 या 10 हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है। इन कॉर्पोरेट्स की काली करतूतों की वजह से हमारी हरियाली जली जा रही है। खेत सींचने वाली नदियाँ फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से जहरीली होती जा रही हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज की मशीनें हमारी खेती वाली जमीन पर कब्जा करके उन्हें खत्म करती जा रही हैं। पर ये दिखाई नहीं देता। इन फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप? सारे हेल्दी फूड्स में मिलावट करके ये उसे बर्बाद करते जा रहे हैं। अंडे को शैम्पू में, गाजर को क्रीम में, सोया को साबुन में। 2 रुपए का अंडा 10 रुपए में, 10 रुपए का गाजर 100 रुपए में खरीद रहा है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इस रेट पर क्या कोई गरीब खरीद पाएगा? फिर भी ये पैसा किसान या गरीब तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बिचौलिए ले जाते हैं। ये बिचौलिया धीरे धीरे और अमीर होता जाता है। अन्न पैदा करने वाला किसान गरीब से गरीब होता जाता है। पौष्टिक खाना न मिल पाने की वजह से गरीब बच्चे, गरीब बूढ़े बीमारी से मर रहे हैं सर। नौकरी कैसी भी हो, हमारी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम उन फैक्ट्रियों के गुलाम बनकर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। याद रखिए, खेती भी एक उद्योग है और किसान उद्योगी है, उसे पहचान। अगर हमारे गांव की समस्याओं को आप लोगों ने नजरअंदाज किया तो एक न एक दिन हर गांव हमारे गांव जैसा ही बन जाएगा। समझ जाइए आप लोग। अगर ये मीडिया कोशिश करे तो ये दुनिया हिला के रखते हैं। वो ताकत है आप में। लोगों के दर्द को आपको बताने के लिए आपको परेशान किया, उसके लिए माफी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये सही है तो हमें न्याय दिलाने के लिए हम सबकी मदद कीजिए।